हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन एंड फिट एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सम प्रिकॉशंस बिकॉज डे बाय डे कोरोना वायरस स्प्रेड एंड पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस इंक्रीज, सो डू प्रिकॉशंस इन प्रॉपर वे. And here I meet after long time, and I'm Ashok sir. Today I'm teach GK general knowledge. As you know here, as you see in here, GK. This is a GK book, and book name is Enhance Our Knowledge. So first all of you please, I request you. Purchase this new book in the market that are available in market. So I request you please you purchase new book. Today we have discussed some important topics of lesson first. So all student please follow some instructions or guidelines that are given by government. And you know that in this book here include some current news, current affairs. So all student purchase new book and read in proper way. First chapter is aquatic flowers. Aquatic means those are live in water, जो water में रहते हैं. Flowers, ऐसे flower जो water में रहते हैं, water में वो grow करते हैं. तो in this chapter we have discussed about the some aquatic flowers. So understand, aquatic means water. So always keep in mind, aquatic means water, aquatic flowers. आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. कौन से वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं? जो प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे लोटस हुआ, हाँ वाटर लिली हुआ, वाटर हाइसिंथ हुआ, वाटर पॉपी हुआ, और बहुत सारे आपके प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं. सम आर फ्लोटिंग, सम आर फिक्स्ड. कुछ वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, कुछ जो है उनकी रूट सॉइल से अटैच होती है, वो फिक्स होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ एक्वेटिक फ्लावर्स. नाउ सी, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, रीड द हिंट्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवेन. हियर सम हिंट्स आर गिवेन. Now with the help of hints we identify what is this plant. First number, it is the most beautiful aquatic flower in the world. ये world का सबसे beautiful aquatic flower है. This amazing flower comes in different types and colors. ये जो है different types और colors में होते हैं. This one also very amazing, बहुत ही अपने आप में amazing है. और इस फ्लावर कौन सी फ्लावर है? Water lily. Water lily is the most beautiful aquatic flowers in the world. This amazing flower comes in different types and colors. ये different types होते हैं और different colors के होते हैं. Okay? Now next. It is a sacred flower of Buddhist. It grows in shallow ponds and lakes. They need direct sunlight. These are generally in pink or white colors.
ये फ्लावर जो है बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए जो है ये सबसे आपका पवित्र फ्लावर के रूप में माना गया है। एंड ये जो है जनरली पॉन्ड्स और लेक्स, जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उसमें ग्रो करते हैं। दे नीड डायरेक्ट सनलाइट, इनको डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है। दीज आर जनरली इन पिंक और वाइट कलर, ये जनरली जो है सामान्यतः वाइट और पिंक कलर में ही होते हैं। इनका जो फ्लावर का कलर है वो वाइट होता है या पिंक होता है। एंड फ्लावर नेम इज लोटस। आप जानते हो कि हमारे इंडिया, हमारे कंट्री का जो नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है। ओके, सो लोटस, ओके, एंड दिस इज अ पावन, आप पवित्र कह सकते हो बुद्धिस्ट के लिए, जो है बौद्ध धर्म के मानने के लिए इस फ्लावर को पवित्र रूप में माना जाता है। इट ये पॉन्ड्स और लेक्स में ग्रो करते हैं जहाँ शैलो वाटर, अब पानी धीरे धीरे बहता है। एंड ये इनको दे नीड डायरेक्ट सनलाइट, इनको डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है। दे जनरली पिंक और वाइट कलर, ये जो है वो जनरली जो है वाइट और पिंक कलर के होते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लोटिंग प्लांट दैट ग्रोज वेल इन पॉन्ड्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स। ये ब्यूटीफुल फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो करता है कहाँ पे, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स एंड लेक्स में। इसका फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। दीज आर फेमस फॉर देयर थिक राउंडेड लीव्स, इसका जो है लीव्स जो है थिक, थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, राउंडेड लीव्स गोला होता है। एंड स्ट्राइकिंग ब्लू टू वायलेट फ्लावर्स, ये ब्लू और वायलेट मिक्स फ्लावर होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। विथ सिक्स पेटल्स, इसमें सिक्स पेटल्स भी होते हैं। एंड दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स इज वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको हिंदी में जलकुंभी भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे नाम जरूर। ओके, ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होता है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट मैं बता दूं, ये साइड इफ़ेक्ट यह है कि जिस पॉन्ड्स में ये ग्रो करता है उस पॉन्ड्स को जो है पूरी तरह से वो ब्लॉक कर देता है, उससे में कोई भी अदर एनिमल्स, वाटर एक्वेटिक, वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ग्रो नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, इट इज अ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, फ्लोटिंग तैरने वाले, फ्लोटिंग तैरने वाले एक्वेटिक प्लांट्स दैट इज नोन फॉर इट्स राउंड शेप्ड, ये अपने राउंड शेप्ड के लिए फेमस है। इट हैज़ डार्क ग्रीन लीव्स, इसकी जो ग्रीन लीव्स होती है डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। एंड ब्यूटीफुल लेमन येलो फ्लावर्स, इसकी जो फ्लावर्स होती है वो लेमन येलो कलर्स की होती है। विथ रेड ब्राउन सेंटर्स, इसके जो सेंटर में जो आपका पेटल्स होता है, आपका जो आप कहते हैं कि स्टेमन्स होता है, वो रेड ब्राउन कलर का होता है। इट नीड्स फुल सनशाइन, इसको फुल सनशाइन की भी ज़रूरत होती है तभी ये फ्लावर्स पूरी तरह से खिलता है। एंड फ्लावर्स नेम वाटर पॉपी, प्लांट्स नेम वाटर पॉपी। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज आई रिपीट अगेन, सो ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली। फर्स्ट नंबर, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल एक्वेटिक फ्लावर इन द वर्ल्ड। दिस अमेजिंग फ्लावर कम इन डिफरेंट टाइप्स एंड कलर्स एंड फ्लावर्स नेम वाटर लिली। नेक्स्ट वन, इट इज अ सेक्रेट फ्लावर फॉर बुद्धिस्ट, इट ग्रोज इन शैलो पॉन्ड्स एंड लेक्स। दे नीड डायरेक्ट सनलाइट, दीज आर जनरली इन पिंक और वाइट कलर्स। एंड दिस इज अ लोटस।
नेक्स्ट थर्ड नंबर, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लोटिंग प्लांट दैट ग्रोस वेल इन पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स. दीज आर फेमस फॉर देयर थिक राउंडेड लीव्स एंड स्ट्राइकिंग ब्लू एंड वायलेट फ्लावर्स विथ सिक्स पेटल्स वाटर हाइसिंथ. नेक्स्ट, इट इज अ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट दैट इज नोन फॉर इट्स राउंड शेप. इट हैज अ डार्क ग्रीन लीव्स एंड ब्यूटिफुल लेमन येलो फ्लावर्स विथ रेड ब्राउन सेंटर्स. इट नीड्स फुल सनशाइन वाटर पॉफिंग. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ऑल ऑफ यू फर्स्ट यू ऑल ऑफ यू प्लीज फिल द बुक इन प्रॉपर वे एंड लेटर I provide the notes for this lesson. So, all students, please keep in mind. Now, homework. Now, all of you, write homework. And homework is read and revise the lesson first. Read and revise the lesson first in proper way. Thank you. One important thing, in comment box you have to write name, class and section for your attendance. Okay, so always keep in mind, after watching the video you have to write name, class and section in comment box for your attendance.